जय हिंद, मेरा नाम सार्जेंट अमन राज है। मैं बीडी कॉलेज पटना 29 बिहार बटालियन पटना ग्रुप बिहार एवं झारखंड निर्देशालय का कैडेट हूँ। मुझे बचपन से ही देश के लिए कुछ करने की इच्छा थी, सामान्य जीवन से कुछ अलग करने का जज्बा था, कुछ ऐसा करना था जिससे मैं खुद, मेरा परिवार और समाज मुझ पर गर्व महसूस कर सके। जिस तरह रेगिस्तान में भटके मुसाफिर को अपने सही मंजिल तक पहुंचने के लिए एक ऊंट का सहारा लेना पड़ता है, ठीक उसी तरह मुझे अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए एक ऐसे ही संगठन का, एक ऐसे मंच का सहारा चाहिए था जो मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचने के लिए सही दिशा बता सके। तत्पश्चात मैंने एनसीसी में भर्ती होने की ठान ली, जिसे संक्षिप्त में राष्ट्रीय कैडेट कोर कहते हैं। एनसीसी में आने से पहले मैं शारीरिक, मानसिक और सकारात्मक विचारों को व्यक्त करने में सक्षम नहीं था, लेकिन जब मैंने एनसीसी में दाखिला लिया उसके बाद मुझ में कई गुणों का विकास हुआ। एनसीसी ने मुझे एक अनुशासित और सैन्य जीवन जीना सिखाया, जिससे मेरे व्यक्तित्व का काफी अच्छा विकास हो सका, ताकि बिना किसी संकोच के सकारात्मक रूप से कोई भी कार्य को पूरा कर सकूं। इसने मुझे बेहतर तरीके से नेतृत्व करना सिखाया। एनसीसी ने मुझे काफी सारे आयोजनों में भाग लेने का मौका दिया। इसके अलावे मैंने स्वच्छता अभियान, आपदा प्रबंधन जैसे कई विभिन्न सामाजिक कार्यों को सीखा। मुझे गर्व है एक एनसीसी कैडेट होने पर, जिसने मुझे समय के सदुपयोग के साथ साथ इस देश का एक बेहतर और जिम्मेवार नागरिक बनने के लिए मुझे प्रशिक्षित किया। एनसीसी ने न केवल मुझे बल्कि इस देश के लाखों युवाओं में देश प्रेम की भावना को जागरूक किया और उन्हें एक जिम्मेवार नागरिक बनाया। जिस प्रकार मैंने अपने अनुभवों को आप सभी के समक्ष व्यक्त किया, उसी प्रकार सभी एनसीसी कैडेट्स के लिए डीजीएनसीसी द्वारा डिजिटल फोरम नामक एक ऐसा प्लेटफॉर्म जारी किया गया है, जहां आप सभी अपने एनसीसी से संबंधित किसी भी गतिविधि तथा अपने प्रशिक्षण के अनुभवों को डिजिटली शेयर कर सकते हैं। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।